समस्या ये है कि साड़ी रोड की समस्या, अस रोड की वजह कन्नै बड़ी परेशान है। ते इदे कन्नै अस डीसी कश आए हे, इदे कन्नै मिलन आए हे। ते अस ये है कि असी जेका रस्ता थोड़ा थोड़ा रस्ता 5 फुट ही मिलिया तो वह भी बड़ा, ओहदे आस्तै अस डीसी दे अग्गे रिक्वेस्ट करने कि असी थोड़ा बहुत जेका जी। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मेरा नाम अशोक सिंह है, मैं पंचायत गुड्डू फलाल ब्लॉक दुगैन तहसील वाही मल्हार से आज एक छोटे से डेपुटेशन के साथ, जिसमें हमारे सरपंच श्रीमती कैलाशो देवी जी और नायब सरपंच श्री कैल सिंह जी, साथ में आए हुए वार्ड के सारे पंचिस और आए हुए जो मेन नुमाइंदे हमारे, हम सब अपनी मर्जी से या अपने लेवल पे नहीं आए हैं। हमें 10,000 पॉपुलेशन ने इन्वाइट किया है कि आप जाइए डीसी साहब को इन्वाइट करो कि हमारी ये जो समस्या है इसका समाधान करो। अब मैं बात करूं सर समस्या की, एक तरफ से सरकार कहती है कि हमने गांव गांव घर घर रोड पहुंचा दिए हैं, और अब भी हम कह रहे हैं सर कि हमें चलने के लिए रास्ता नहीं है। हम गाड़ियों की बात नहीं करते, हम जहाज़ों की बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ बात करते हैं कि एक पाल की 4 आदमियों के कंधे पर उठा के एक पेशेंट को अगर हमने अपने गांव से हॉस्पिटल लाना हो तो हमें 5 घंटे चाहिए। और उस 5 घंटे में सर आप क्या हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव भी समझता है कि एक पालकी को कंधे पे उठा के अगर पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना हो तो उसके लिए रास्ता चाहिए, वो भी कम से कम 5 फुट। आज भी हमारी मांग है कि हमारा 5 फुट रास्ता बना दो, हमारे लिए इतना ही बहुत बड़ा है। अब बात करूँ सर आज के मैं मेमोरेंडम की, हमारा जो छोटा सा डेपुटेशन आज डीसी साहब से मिला, हमारा मेन एजेंडा था हमारे उस गांव में जहां से हमने मेमोरेंडम दिया है गोडू टू रुखला तलैन, जो कि एक लीन निकली थी जिसको हम डोगरी में ट्रैक्टर रोड बोलेंगे, एक ट्रैक्टर रोड आज से 5 साल पहले गवर्नमेंट ने ही पैसा अलाट किया था, उस टाइम 20 लाख रुपया गवर्नमेंट ने दिया था, वो CM साहब पैकेज का पैसा, CM पैकेज का पैसा था। उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि जो लोग बहुत ही पिछड़े और पसमंदा इलाके के हैं इनको मदद की जाए और ये थोड़ा बहुत रास्ता इनका बनाया जाए। तब सर हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने 20 लाख दिया उसमें से सिर्फ 10 लाख लगाया, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन पे लगा, सब ने मिल के काम करवाया आज से 5 साल पहले, और आज उस रोड की वो कंडीशन हो गई है कि हम क्या जो जंगली जानवर होते हैं वो भी वहाँ से गुजर नहीं सकते हैं, वो इसलिए के जो बड़ी बड़ी पसियाँ हैं ऊपर से पहाड़ से उठ के नीचे आई हुई हैं और वो पूरा रोड बंद हो गया। हमारी यही गुहार थी आज, हमारा जो मेमोरेंडम था वो इसी बेस पे था कि वो जो पसियाँ पड़ी हुई हैं, हम ये नहीं कहते हैं हमें गाड़ियाँ चलानी है उधर या हमने कोई बहुत बड़ा बिजनेस करना है, हमें सिर्फ चलने के लिए रास्ता चाहिए। यही आश्वासन हमने डीसी साहब को भरोसा दिया और डीसी साहब ने हमें पूरा फुल विश्वास दिया है कि 1 हफ्ते का वेट करिएगा, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका समाधान करते हैं। बात करूं सर मैं, अगर ये हमारे ली या ये हमारा रोड साफ नहीं हुआ तो इसके अलावा हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं है कि हम दूसरे रास्ते से आ पाएँ, क्योंकि पहले 5 साल पहले भी वही रास्ता था, लेकिन उस टाइम ये था कि जब मशीन नहीं लगी थी तो वो सड़क वो जो पहाड़ी थी वो अपनी जगह खड़ी थी, जब मशीन लगी तो उस मशीन ने पूरी पहाड़ी को हिला दिया, पहाड़ी हिलने से पूरी पसियाँ उसमें आ गई हैं। अब कोई बोले, अब हमें अफसर बोले, डिपार्टमेंट बोले कि पहले भी आप लोग उस रास्ते से चलते थे, अब भी चलो, लेकिन सर अब कैसे चलें, वही पसियाँ जो बड़ी बड़ी जिसने जिस मशीन ने उसको हिला के रख दिया वही यहाँ पे रोड पे पड़ी हुई हैं, हम उसको कैसे हम क्रॉस करें, कैसे चलें। अब मैं बात करूँ पिछले साल की, हमारी 2 डेथें हुई थी सर, 2 पेशेंट ऐसे थे रात को बीमार हुए, सुबह जब पालकी पे उनको बिठाया और नीचे ले आए आधे रास्ते में आते आते उनकी मौत हो गई। हमने तब भी डिपार्टमेंट के आगे गुहार लगाई, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास गए, रेवेन्यू के पास गए और अपने जितने भी चुने हुए नुमाइंदे जिनको हम वोट दे के भेजते हैं कि हमारा जब हमें मुसीबत आएगी हमें परेशानी आएगी हमारा साथ देना, उस टाइम हमने उनको भी जगाया कि नुमाइंदो उठो और हमारी कोई खिदमत करो, लेकिन हमारा किसी ने साथ नहीं दिया। वो जिन डेथों की मैंने बात की है सर, इतने गरीब हैं आज भी, वो क्या हम सब लोग उनके लिए, हम क्या बोलूँ अब मैं, मेरे पास शब्द नहीं है, उनकी आत्मा को शांति मिले। जैसे वो गए हैं वो तो एक शहीद होके गए हैं,
लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेटिव के आगे, मैं अपने नुमाइंदों के आगे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमारे लिए कुछ सोचिए। हम ये नहीं कहते कि हमें अभी गाड़ियाँ पहुँचा दो, हम ये कहते हैं हमें चलने के लिए रास्ता बना दो। और जो हमने आज डिमांड रखी है, जो हमने आज मेमोरेंडम दिया है, हम भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि डीसी साहब इस पर ज़रूर चर्चा करेंगे। चाहे फॉरेस्ट के लाइक वो बात होगी, रेवेन्यू के लाइक होगी, जिसके भी लाइक होगी, वो डीसी साहब हमारा उस चीज़ का समाधान करेंगे। और हफ्ते बाद हम पूरा यकीन रखते हैं कि हमारा चलने के लिए रास्ता जो है वो उसके लिए थोड़ा बहुत हमें भरोसा मिले। सर 5 साल पहले बना था और सिर्फ 1 साल ही हम चल पाए थे। आपको पता, जब फर्स्ट टाइम रोड निकलता है, अर्थवर्क होता है, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें वो पूरे एरिया को हिला देती हैं। 4 साल से वो रोड बंद है और 4 साल से हम मांग कर रहे हैं हमें कोई आगे के लिए रोड नहीं चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आगे नया रोड बनाओ, हम ये नहीं कहते हैं पीछे रोड बनाओ। हमारी एक ही मांग है, जो 5 किलोमीटर ली निकली है उसको साफ़ करवाओ, वो हमारी ली साफ हो जाए, जिससे हम पाल की कांधे पे उठा के आ सकें। 4 साल से ये रोड सर हमारा बंद है। डीसी साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीसी साहब ने यही आश्वासन दिया है कि एक हफ्ता वेट करिएगा, हफ्ते के अंदर हमारे सामने डीसी साहब ने डीएफओ साहब से बात की है। डीएफओ साहब से क्या बात हुई, उन्होंने बोला कि मैं इस पर चर्चा करता हूँ, डीपली इसको लेता हूँ और मैं आपको विश्वास देता हूँ, भरोसा, ये भी उन्होंने भरोसा दिया है कि हो सकता है मैं हफ्ते के अंदर अंदर आपके उस एरिया में विज़िट करूँ। तो हम डीसी साहब का मोस्ट वेलकम करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, हम सर सुबह घर से 5 बजे निकले थे, 5 बजे अंधेरा होता है, सब सोए होते हैं। हम सुबह 5 बजे निकले थे, अपनी जदोजहद को लेके, अपनी 10,000 पॉपुलेशन की दुआओं को लेके निकले थे। 10:30 बजे हम रोड पे पहुंचे थे, 5.5 घंटे हम पैदल चले। उस 5.5 घंटे का नतीजा, हम जब हम डीसी साहब के पास पहुंचे, उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं आपके पास आऊँगा, हमारे लिए सर इतना ही बहुत है। हम गरीब लोग हैं, हम बेसहारा लोग हैं, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। हम डीसी साहब के ऊपर पूरा यकीन करते हैं, आज विश्वास करके आए हैं कि हफ्ते के अंदर अंदर हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा और हम डीसी साहब का मोस्ट वेलकम। एक बार, मेरा नाम संजय कुमार है, पंचायत गुड्डू फलार से। सर आज हमारा एक डेपुटेशन आया था पंचायत गुड्डू फलार से, जिसमें शामिल हुए थे हमारे पंच, सरपंच और पंचायत के सभी कुछ लोग थे, मौजूद लोग आए हुए थे और डीसी साहब से मिले हम। और हमारी समस्या थी कि एक गुड्डू फलार से रुखला तैन तक के लिए एक 2016-17 में एक ली निकली थी और उसमें 2 साल वो ली चली और उसके बाद बारिश होने की वजह वो स्लाइड हो गई बिल्कुल। तो हम ये पूरी आज एक मेमोरेंडम लेकर यहाँ डीसी साहब से मिले और उनसे कहा कि हमें इन जो पस्सियाँ हैं, जो इनको हमें उठाने का मौका दिया जाए। तो डीसी साहब ने आश्वासन दिलाया कि कोई बात नहीं, हफ्ते के अंदर अंदर हम जो आपका जो ये काम है ये कर देंगे, तो हम मौके पर आएंगे और ये काम हम मौके पर आके देखेंगे। तो इसमें जो सर ये है कि ये रुखला, खतरेला, परोला, जो करान, ये तलैन के, जो सुखाल, सखान के हैं, ये सब टोटल 40 किलोमीटर दूरी पर इनका मेन रोड है, जहाँ आने जाने में बहुत परेशानी पड़ती है। जैसे कि हम जैसे रेनी सीजन में होता है तो एक साइड उच्च पुल बहता है, तो जो जुलाई महीने से लेकर सितंबर तक वो पानी पानी रहता है, उसमें आने जाने में बहुत परेशानी रहती है। और एक तरफ दरिया हो गया, दूसरी तरफ हम स्लाइड एरिया हो गया, तो आने जाने में बहुत परेशानी हो जाती है। जब कोई बीमार हो जाता है तो भी हम पालकियों के जरिए इनको नीचे पहुँचाते हैं। तो जब बरसात का मौसम होता है तो बीच में ही, रास्ते के बीच में कई बार ऐसी कैजुअलिटियाँ हो चुकी हैं जहाँ तक वो हॉस्पिटल में नहीं पहुँचे। तो इसी वजह से हम ये एक गुहार लगाते हैं कि हमारी जल्दी से जल्दी इस रोड का साधन दिया जाए। तो ताकि जैसा कि आज गुड्डू फलाल से जो है ये लोग आए हुए हैं, इनमें हमारे रिस्पेक्टेड मैडम सरपंच जी हैं, महिला सरपंच हैं और पंच साहिबान आए हुए हैं, हमारी धर्म जागरण के अशोक जी जो बिलावर से बिलोंग करते हैं वो आए हुए हैं, गुड्डू फलाल पंचायत से आए हुए हैं और हमारी धर्म जागरण जो संस्था है ये भी इनके साथ डीसी साहब के पास गई थी डेपुटेशन लेकर। और मेमोरेंडम था कि वहाँ पर 5 किलोमीटर रोड जो थी आज से 5 साल पहले बनी थी, उस रोड को बनते बनते ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रोक दिया था। और आज जब डीसी साहब के पास ये इसलिए आए हैं कि अगला महीना जो है बरसात का शुरू होने वाला है और ये जो बरसातें हैं इसमें अगर कोई बीमार वृद्ध या किसी को हॉस्पिटल की, बच्चों को कहीं
रात को जब कोई किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उनको लाने में बड़ी असुविधा होगी। इसके लिए इन्होंने डी साहब से एक ही रिक्वेस्ट की है कि जो रास्ता बना हुआ है उसको उन्होंने बनते बनते को रोका हुआ है, वहाँ मशीन ड्रिल चलने से जो पस्सियाँ गिरती हैं, रास्ता हिल के जो पस्सियाँ गिरती हैं उनको इनको मैनुअली उठाने का जो है इनको इजाज़त दी जाए। ये हाथों से उन पस्सियों को साफ करके वो 5 किलोमीटर की जो रोड है उस पर ये उन बीमार बुजुर्ग और वृद्धों को और बच्चों को लाने जाने के लिए पालकी के लिए रास्ता मांग रहे हैं, ना कि जे सड़क बनाने के लिए कह रहे हैं। तो डी साहब ने उसी समय, हम डी साहब का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं कि उन्होंने उसी समय DFO साहब को फ़ोन किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर को, और उनसे सारी जो है जानकारी ली। बट वो तब भी उन्होंने ये कहा है कि मुझे 3 से 5 दिन का समय दीजिए, उसमें मैं इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा उन्होंने इन लोगों को ये भी आश्वासन दिया है कि मैं खुद उस जगह का दौरा करूंगा जहां पर इतनी प्रॉब्लम है। 20 किलोमीटर ये लोग चल के आते हैं आज के समय में, जब हम ये कहते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि बिजली पानी और कई तरह की सुविधाएं जो है सरकार दे रही है और लिंक रोड के साथ सड़कों को जोड़ रही है, और आज ये 50 साल पीछे की बात कर रहे हैं, और सुनकर हमें दुख भी हो रहा है और हैरानी भी हो रही है, क्योंकि हम शहरों में रहते हैं, गाड़ियों में बैठे आए, काम किया, चले गए, और इन लोगों का सुबह 5 बजे के निकले हुए जो 12 बजे जहाँ पहुँचे हैं। तो हमारी संस्था की तरफ से और इन सब की तरफ से यही एक गुजारिश है DC साहब के आगे कि डिप्टी कमिश्नर साहब के आगे, हम वो कलेक्टर हैं और इस पूरे ज़िले के राजा हैं, और राजा जो चाहे कर सकता है, हम राजा से रिक्वेस्ट करते हैं, डिप्टी कलेक्टर ना कहते हुए प्रेजेंट राजा से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इनकी समस्या को सुना जाए, देखा जाए और इनकी समस्या का समाधान किया जाए।